नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच में आपका भाई भरत बेनीवाल और सारे जो क्रांतिकारी साथी आज यहाँ जुटे हुए हैं। आज हम सभी यहाँ पे सीएचओ के रिजल्ट के लिए आए हैं और जितने साथी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको धन्यवाद, और जो साथी घर से बैठ के देख रहे हैं उन सबको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने कम से कम ये तो बताया कि हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, आ नहीं सकते। साथियों, आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों के लिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे। आज कुछ लोग ऐसे साथी लोग हैं कि आप लोगों को नहीं आना चाहिए था, जो अदर बचे हुए हैं उनको भी कम से कम आना चाहिए कि भाई आज इनका साथ देंगे, ये भर्ती पूरी होगी तभी तो अगली 3500 की भर्ती आएगी। तो साथियों, इस भर्ती को निपटाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आज हम लोगों का यहाँ पे लगातार मापड़ाव या धरना चला, कोई बिना परमिशन चला, और कि मैं कि कोई पुलिस किसी को परेशान कर ले तो हमें बता दो, हम तो 1% भी किसी से घबराने वालों में से नहीं है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो। आप लोगों के बीच में कई तो ऐसे कह रहे थे, साथी आए थे उनमें से अभी बता रहे थे कि बोले यार शरीर को तेल पिला के लाना है ना, तेल लगा के आ गया हूँ और वहाँ पे बर्फ के आना, तो भाई तेल तुम पिला के आ जाना, तुम्हें अगर डर लगता है। भारत माता की, हम तो इस रघु शर्मा को भी, हम तो सभी यहाँ पे वो जो सारे वीर पुत्र है ना, ये सारे रघु शर्मा के शरीर को तेल जरूर पिला देंगे, ये पक्की बात है। वो 1.5 क्विंटल का आदमी गान खोल के सुन ले, साफ बात है। डेढ़ क्विंटल के माननीय मंत्री जी, आप लोग कान खोल के सुन लो, ये सलाखे पिक्चर देखी होगी आपने, उसके अंदर तारीख पे तारीख मिली थी सनी देओल को, और फिर उसके बाद जो वकील साहब को उसने उसमें से निकाल के फेंका था, आप भूल गए क्या? तो ये चीज आप 1.5 क्विंटल को के हो तो आपको ये लगता होगा आप हमसे नहीं उठोगे, हम उठा के फेंकेंगे, ये गारंटी है आपको। अगर आपने परिणाम जारी नहीं किया तो सीएचओ का तुरंत प्रभाव से सरकार परिणाम जारी करे। आज हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता का निष्कर्ष अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पे जितने भी साथी थे वो प्रतिनिधि मंडल में, हमारे कमल भाई, चौधरी भाई, काफी साथी लोग गए थे, गर्ल्स भी गई थी इतनी दूर अजमेर से, अब अजमेर से गर्ल्स आ रही है यहाँ पे आंदोलन के लिए, और आप लोग घर पे बैठ के ये कहते हो तेल पिला के लाना शरीर को, भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सारे साथी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी आए, और कोई दिक्कत नहीं है, एक दो डंडे पड़ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कम से कम हमारे प्रोफेशन का भला हो, कोई भर्ती पूरी हो, किसी को रोजगार मिले, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, आप ये बताइए। तो साथियों, आज वार्ता हुई उसका निष्कर्ष हम लोग बता देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे इसके बाद कि क्या करना है। ऐसा कोई दिन अब हम लोगों का नहीं जाएगा जिस दिन हमारा प्रदर्शन नहीं होगा, हालांकि इन्होंने हमें साफ और शब्दों में पीटी सर ने भी कह दिया, और NHM MD आज नए आए सुधीर शर्मा जी, उनसे हम मिलनी है, उनसे हमारी वार्ता भी हो गई है, और MD सर से तो हो ही गई, PT सर के पास पूरा मामला था, तो मुख्य रूप से PT सर से पूरी वार्ता हो गई है। PT साहब ने हमें साफ कह दिया है कि 9 तारीख तक पूरी ग्रेवियंस लेनी थी, हमें पूरी ग्रेवियंस ले ली, उसके बाद वर्किंग डे का आज हमारा पहला दिन है उसके बाद का, तो आज हमने सिर्फ 3-4 घंटे अभी काम किया है, लगभग 3-1 घंटे हुए हैं उन लोगों का। जब वार्ता थी तब उन्होंने कहा था कि 2 घंटे हुए हैं हम लोगों को पूरा काम चालू करे हुए, और लगभग कुछ तो हम लोग निस्तारित करते जा रहे हैं, सारी जो ग्रेवियंस आई उनकी लिस्ट बना रहे हैं, उनका रजिस्टर्ड करके पूरा ऑनलाइन करके उनका एक पूरा तैयार किया है हम लोगों ने, और कर लेंगे आज रात तक, और कल परसों में पूरा मामला निपटा लेंगे उसका, फिर एक दिन में कमिटी का डिसीजन करके उन पे तुरंत प्रभाव से उनको निस्तारण कर देंगे। लेकिन साथियों, ये परिणाम अगले वीक के लिए साफ साफ कह दिया इन्होंने कि अगले वीक में लगभग हम लोग जारी कर देंगे, 100% जारी कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यही कहा था कि आप डेट चाहे कितनी भी बता दो लेकिन फिक्स डेट बता दो, तो इन्होंने साफ कह दिया कि अगर हम फिक्स डेट बताते हैं तो कल को कोर्ट में कोई और साथी आएगा और इस भर्ती पे स्टे लेने का प्रयास करेगा, हम लोग साफ डेट नहीं बताना चाहते, जो भी डेट है आप लोगों को बस बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, ये हम लोग इतना कह सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम भी नहीं लटकाना चाहते इस भर्ती को किसी भी हाल में, क्योंकि इनके भी गले की ये भर्ती फांस बनी हुई है, ये लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, सैटरडे संडे को भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये प्रतिनिधिमंडल और सभी लोग मौजूद थे, सैटरडे संडे को भी ये लोग रात को 10-10 बजे घर जा रहे हैं, तो ये लोग खुद इस भर्ती से परेशान है, कैसे भी ये भर्ती निपट जाए और इनका समस्या निस्तारण होके इस भर्ती में तुरंत काम हो, और इन लोगों को ऊपर से केंद्र से भी साफ साफ नोटिस आ गया है कि भाई आप लोगों को लगभग हर हाल में भाई डेट नहीं बताना चाहता, अभी 2-3 महीने बाद की डेट है,
उस डेट से पहले पहले इनको ज्वाइनिंग देनी है, यानी ट्रेनिंग भी 2-2.5-3 महीने की निफ्टा निफ्टू के कैसे भी इनको करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले इनको करने का था इसको, उसके बाद इनके प्लेंटी शुरू हो गई है एक तरीके से। तो इन्होंने प्लेंटी का जवाब ये दिया कि चाहे हम जो ज्वाइनिंग टाइम है उस टाइम पे इनको ज्वाइनिंग दे देंगे, चाहे हम 2 महीने में ट्रेनिंग कराएं, 3 महीने में कराएं, 4 महीने में, जैसे बिहार वगैरह अदर स्टेट एमपी वगैरह में कई जगह पे ऐसा हुआ भी है। तो साथियों आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी जो भी आह्वान हो आप लोग हर रोज अपने अपने जिलों में, अब कल या परसों में आजकल में हम लोग आप लोगों को आह्वान करेंगे, तो ऐसी कोई जिला कलेक्ट्रेट नहीं बचनी चाहिए जहां जाके कलेक्टर को आप सीएचओ भर्ती के लिए नहीं ज्ञापन दे। मैं मानता हूं भर्ती का परिणाम आने वाला है, फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है, सब कुछ है, लेकिन हमें ऐसा कोई दिन ढीला नहीं छोड़ना है। जिस दिन ये आंदोलन आज यहाँ से ही मान लो पूरी तरह से चालू हुआ है एक तरीके से और भी मजबूती से, और ये लगातार चलता ही रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाता है। हमें पॉजिटिव मिला है रिव्यू पूरा, अगर आईएएस नहीं आता, नए आईएएस नहीं आते, नरेश ठकराल जी की जगह सुधीर शर्मा जी नहीं आते, तो शायद 1-2 दिन में ही परिणाम जारी हो जाता। साथियों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज जो साथी लोग बात करके आए उनको भी शायद इस चीज से आश्वस्त हो गए, उनके सामने कितना ज्यादा काम चल रहा था हम लोगों को साफ दिखा दिया उन्होंने, कैसे कैसे वो सारी ग्रेवियंस है उनका वो कर रहे हैं, वो लोग रजिस्ट्री करके रजिस्ट्रेशन करके उनको ऑनलाइन कर रहे हैं और सारा तुरंत प्रभाव से उनका निस्तारण करने का वो प्रयास हो रहा है, सारा कमेटी में रख के उसको फाइनल करने की बात हो रही है। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को जब भी आंदोलन पे बुलाया जाता है आप लोग तैयार रहें, नहीं तो इसी प्रकार से ये प्रोफेशन इन्हीं चीज़ों में डूबा रहेगा और परेशान होता रहेगा। तो सीएचओ वाले साथी, जो वो लोग साथी लोग हैं, जो कई लोग यूँ सोचते हैं कि ये भर्ती रुक जाए, या कोई लोग ऐसे सोचते हैं जो लोग अभी धीरे धीरे हो जाएगी भर्ती, आराम से हो जाएगी, तो उन साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग साथियों जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होगी, आगे की 3500-5500 भर्तियाँ वैसे तो, पर 3500 की लगभग फाइनल हो चुकी है, तो वो आगे की 5500 भर्ती आप लोगों का जो इंतजार, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो वो नहीं आ पाएगी। तो आप लोग भी इन भाइयों का साथ दो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, इन लोगों का भी साथ दो ताकि ये भर्ती जल्द से जल्द निपटे और नई भर्ती का हम लोग पूरी तरह से लाके, अगला 1 जुलाई से बैच शुरू करना था लेकिन अब तक उसमें भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि ये पूरी होगी जब भी उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी। साथियों तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें और रेगुलर इसी तरह से जो ये साथी इकट्ठे होते हैं, ऐसे नहीं तो घूमते की थड़ियों पे जाके बैठते हो, टाइम वेस्ट करते हो इतनी देर का, तो इतनी देर यहाँ आके बैठ जाया करो पार्क में, कितनी देर लगती है। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है लगातार सबका साथ दे, ये भर्ती तो चलो निपटने वाली लेकिन आगे की भर्तियों में आप लोगों को भी जोर आएगा, मैं कह रहा हूँ, और एक्टिव हो जाओ अभी से, तभी आगे की भर्तियां आ पाएंगी। और बाकी सुरेंद्र चौधरी भाई, कमल भाई, कमल भाई की लाल बेनीवाल, बेनीवाल आपके बीच में कमल भाई है, ये भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है पूरा। भाई जैसे कि आपको सब भाई साहब ने बता ही दिया है पूरा, तो कि जो आपको यहाँ देख रहे हैं या जो घर बैठे देख रहे हैं उनसे एक ही आग्रह मैं भी करना चाहूँगा कि देखने से क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट तो इतना कर देते हो कि शायद पता नहीं इस स्वास्थ्य भवन को उड़ा दोगे क्या, पर यहाँ तो उड़ाने की तो बात छोड़ो, एक बच्चा आके भी नहीं देखता आप जो कमेंट कर रहे हो। कमेंट करने वालों से मैं साफ निवेदन करना ये चाहता हूँ कि पहले कमेंट करने से पहले आप अपने लिए आओ, ना कि दूसरों के लिए। आपने आने से पहले आपके साथ अपने घर वालों के और दूसरों के भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे निवेदन यही है कि आप आओ। और पीडी सर से हमारी बात हुई थी, पूरा प्रतिमंडल था, उसके साथ 7-8 जने थे, ना कि वो अकेले थे। भाई साहब ऐसा है कि सर ने बोला कि आपको हम जो भी ग्रीवेंस हमारे पास 9 तारीख को आई थी रात तक, उनका हम समाधान कर रहे हैं, और वो अब भी कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, उनका वर्किंग डे न्यू होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, और शायद हो सकता है तो वो 2-5 दिन में ये आप कुछ और आगे की दिन में आपको अपना टाइम देके और कर सकते हैं अपना काम। इससे क्या है, आपसे सबसे यही जो है कि आने वाले टाइम में इसको रेगुलर कंटिन्यू करते रहो, जब तक हमारा रेल जारी नहीं होता, और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा आज से जब तक हमारा रेल जारी हो जाएगा, जब तक। थैंक यू बिल्कुल साथियों, जिस तरह से ये आंदोलन लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन प्रदर्शन नहीं होगा वर्किंग डे के दिन। और विभाग भी कान खोल के सुन ले, वीडियो विभाग तक जाता है हमेशा, तो विभाग भी कान खोल के सुन ले कि ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा अब जिस दिन प्रदर्शन नहीं होगा, इस सरकार तक मैसेज नहीं जाएगा, और विभाग जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों का भला करे जिससे
8,7810 परिवारों को जल्द से जल्द एक नई खुशी मिल सके और रोजगार मिल सके और जो आगे बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं वो नई भर्ती के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि बेचारे वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं। आज मैंने सुना कि कल एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, हमने विभाग को बताया आज अंदर कि एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली सीएचओ भर्ती के चक्कर में। तो अगर उस रियल में सीएचओ भर्ती के लिए उस भाई ने अगर रियल में सीएचओ भर्ती के लिए आत्महत्या करी है तो उस भाई के लिए ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि आज के दिन से ठान लो कि कोई भी भर्ती रुकने नहीं देंगे, हर भर्ती को करवाने के लिए ऐसा आंदोलन करेंगे। उस भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि एक एक मन में सोच लो कि उस भाई को न्याय दिलवाना है और हर भर्ती में हम लोगों को इन विभागों पे दबाव बनाने के लिए एकजुट रहना है और एकजुट रहते हुए किसी राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसते हुए और आंदोलन करने हैं और इस पूरे प्रोफेशन को बदल के दिखाना है साथियों, तभी उस भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द विभाग इसको सीएचओ को भर्ती को पूरी करे और रोज हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक, हालांकि इन्होंने आश्वासन दे दिया लेकिन फिर भी हम इस आंदोलन को रेगुलर जारी रखेंगे। आज दो तीन छुट्टियां नहीं तो हो सकता है हम यहाँ वहां पड़ाव भी डाल देते, अभी रेगुलर ये आंदोलन अब जारी रहेगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन बड़ा प्रदर्शन नहीं होगा, चारों तरफ से हम घेराबंदी करेंगे सरकार की। धन्यवाद साथियों, आपका भाई इतना ही करके आपसे विदाई लेता हूं और अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए कि हम लोग कुछ नई खुशखबरी लाएं और बड़े आंदोलन की आगाज के लिए बड़े प्रदर्शन के लिए आप लोगों को आह्वान करें, इसलिए तैयार रहना आप।